सेक्शन बी में भी होगी इस बार नेगेटिव मार्किंग। कि सर अब क्या करें, प्रिपरेशन किस तरह से करें, तो अननेसेसरी टेंशन अवॉइड करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। NTA has announced the dates of JEE Main 2022. कुछ तो नॉर्मल जो एक्सपेक्टेड चीजें थी उस तरह की हुई हैं और कुछ खास चीजें भी यहां पे हुई हैं। We'll be talking about all of those things in a minute. First of all, 1st मार्च आज ही के दिन ये नोटिस आया क्या, JEE Main will be conducted in two shifts. हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे दो शिफ्ट्स में होगा। कब होगा? The dates of JEE Main will be 16th to 21st April. 6 दिन है इनके पास फर्स्ट सेशन के लिए और सेकंड सेशन 24 से लेकर 29 मई 2022, 6 दिन अगेन, लगभग 10-11 शिफ्ट्स में ये एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। अच्छा, और कुछ खास है क्या? यस, देयर इज वन वेरी वेरी स्पेशल थिंग व्हिच हैज हैपेंड दिस टाइम अराउंड। पहली बात तो पेपर में क्वेश्चंस कितने आएंगे। अगर मैं पेपर वन की बात करूं जो बीई बीटेक वाला पेपर है, देयर विल बी 20 क्वेश्चंस इन सेक्शन ए, 10 क्वेश्चंस इन सेक्शन बी, सिमिलरली फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 20 एंड 10 20 एंड 10, टोटल ऑफ 90 क्वेश्चंस। और जैसा लास्ट ईयर किया था क्या कि सेक्शन बी में से सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको, तो फ्रॉम अ टोटल ऑफ 30 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट 25 क्वेश्चंस ओनली। बट देयर इज अ कैच। व्हाट इज द कैच? कि इस बार एनी 5 क्वेश्चंस देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग फॉर बोथ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन बी में भी होगी इस बार नेगेटिव मार्किंग। ध्यान रखेंगे अपन, नेगेटिव से बचना है। इंटीजर आंसर, नियरेस्ट इंटीजर मार्क करना है वहां पे, और नेगेटिव से बचना है, वहां पे भी नेगेटिव मार्किंग होगी अब, तो टेक केयर ऑफ दैट। ये सेम चीज पेपर 2A और पेपर 2B में मैथमेटिक्स पार्ट 1, जहां पे ये स्टार लग रहे हैं 2010 2010, सेम पैटर्न विल बी फॉलोड फ्रॉम दीज सेक्शंस एज वेल। सेक्शन ए 20 में से 20 अटेम्प्ट करने हैं, सब सिंगल करेक्ट है। इधर 10 न्यूमेरिकल हैं जिसमें से कोई से 5 अटेम्प्ट करने, बट हां नेगेटिव मार्किंग होगी। द डेट्स वंस अगेन 16 टू 21st अप्रैल एंड 24 टू 29th मई। दीज आर द टू शिफ्ट्स। बीच में जो बच्चे क्लास 12th में हैं, सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, वो 26 तारीख से अपना बोर्ड एग्जाम भी देंगे। उसकी एग्जैक्ट डेट शीट अभी नहीं आई है, वो डेट शीट भी जब आ जाएगी तो विल प्रिपेयर अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। कीप watching Vyas Edification, subscribe to this channel, also like and share this video. Lekin sabse zaruri baat ki sir ab kya karein, preparation kis tarah se karein, we have talked about all of these things in other videos as well, but let me reiterate those things in front of you in short a while. देखिए ध्यान से, ये तारीख 16 से 21 वाले जो तारीख है, ये अप्रैल, मिड अप्रैल के बाद भी, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि भी मिड अप्रैल तक वो जाएंगे, मिड अप्रैल के भी बाद में चले गए। वो जनरली एक्सपेक्टेड था कि भी अप्रैल स्टार्टिंग में ही खत्म कर देंगे जेईई मेन का पहला अटेम्प्ट, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन 26 अप्रैल से देने हैं। आखिरी में अगर आपका शिफ्ट आया तो आपको तकलीफ होगी वहां पे। बोर्ड एग्जामिनेशन की जब डेट शीट आती है तो प्लीज एंश्योर कि उसमें जो स्टार्टिंग का पेपर हो कम से कम वो पहले से कर रखा हो, अपन ने कवर कर रखा हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले से पूरा मार्च का महीना है, लगभग एक महीना है, उसमें थोड़ा थोड़ा बिखर के पढ़ेंगे तो कवर हो जाएगा विदाउट मच वरीज, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो टेंशन खा जाइए अपने को, राइट? तो अननेसेसरी टेंशन अवॉइड करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है यहां पे, तो प्लीज फॉलो अ प्रॉपर प्लान, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में हमने और भी वीडियोस में बात करी है, यू कैन गो थ्रू दोस वीडियोस एज वेल। बट सबसे जरूरी बात जो मैंने आपसे कही कि ये काफी बाद में शिफ्ट हो गया, तो स्पेशली जो फर्स्ट 2-3 पेपर्स होंगे बोर्ड के, उनका विशेष ध्यान रखना है। अगर यहां पे लेट्स से 26 से लेकर पहले हफ्ते में जो भी पेपर होगा उसकी तैयारी पहले से जरूर करके रखना। सिर्फ रिविजन के लिए कुछ चीजें छोड़ सकते हो आप, बाकी डिटेल में तो तैयारी पहले से कर लेनी है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे फ्रॉम दिस अनाउंसमेंट। फिर जब आप सेकेंड अटेम्प्ट की बात करें तो हम उम्मीद करें कि इससे पहले ही बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म हो जाएंगे ऑब्वियसली। तो इस सेशन 2 को अगर आप टारगेट कर रहे हैं और आप क्लास 12th में हैं, तो बोर्ड एग्जामिनेशन वाली जनता के लिए खास बात क्या कि ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन ऑल्सो यू हैव टू गिव सम टाइम फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ जेईई मेन, और ये तो देना ही देना है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं करनी अपने को। नॉट सपोज टू मेक एनी मिस्टेक्स ओवर देयर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
किस तरह से कितना टाइम देंगे बोर्ड एग्जामिनेशन देते देते। मैंने पहले भी कहा है कि लगभग लगभग 20-25% टाइम आप डिवोट करें रिवीजन के लिए, रिवाइज योर शॉर्ट नोट्स, कुछ क्वेश्चंस एक दो सॉल्व कर लें, बट देन रिवाइज योर शॉर्ट नोट्स प्रॉपरली हर दिन। थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे आप उसके ऊपर, जैसे 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 1 या 2 घंटे आप उसके ऊपर दे सकते हैं। किसके ऊपर? जेई मेन प्रिपरेशन के ऊपर, ताकि सेशन 2 बर्बाद ना हो जाए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद एडवांस भी तो आएगा। हाँ, क्या है एडवांस की डेट? 3rd July इज द डेट फॉर जेई एडवांस्ड। कमर कस लीजिए और तैयार हो जाइए इन सारे एग्जामिनेशंस को फोड़ने के लिए विद व्यास एडिफिकेशन। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ऑब्वियसली अगर आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहे तो उसके लिए जरूरी है आप व्यास एडिफिकेशन का चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। प्लीज सब्सक्राइब फॉर दिस चैनल। मिलेंगे अगले वीडियो में, कुछ और खास चीजों की बात करेंगे। टिल देन ऑल द बेस्ट।